G20 की अध्यक्षता भारत को इस साल दिसंबर में मिलेगी। MCO की अध्यक्षता भी भारत के पास आ गई है और इसका समिट भी अगले साल भारत में ही होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी इस साल दिसंबर में भारत को मिलेगी। G7 में भी भारत के शामिल होने की बात कही जा रही है। G8 हो जाएगा। इसी मई में भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़े दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक शुक्रवार को उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में खत्म हुई, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत के लिहाज से SCO काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगले साल भारत SCO की अध्यक्षता करने जा रहा है और इसकी शिखर बैठक भारत में ही होगी। भारत की अध्यक्षता को लेकर चीन का बयान आया है और उसने इसका समर्थन किया है। SCO में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी भाग लिया था, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच कोई औपचारिक मुलाकात हुई थी या नहीं। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि वो SCO की अध्यक्षता के लिए भारत का समर्थन करते हैं। इसके अलावा शी जिनपिंग ने अपने भाषण में जोर देते हुए कहा है कि दुनिया के नेताओं को तर्कसंगत दिशा में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप विकास को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें, भारत के पास अब ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां वो अपने आप को इस तरह से स्थापित कर रहा है कि उसकी अब क्षेत्रीय के साथ साथ वैश्विक भूमिका भी है। G20 की तकरीबन 200 बैठकें भारत पर में होगी, जिनमें से कुछ बैठकें जम्मू कश्मीर में हो सकती हैं। इसलिए हमें देखना है कि कौन सी बैठकें वहाँ होने जा रही है और कौन सी देश वहाँ होने जा रही हैं। इसके साथ ही बासित ने कहा कि उन्हें लगता है कि कुछ समय में भारत को G7 की सदस्यता का निमंत्रण भी दिया जाएगा और उसके बाद संगठन G8 हो जाएगा। इस बार इसमें रूस नहीं, भारत होगा, क्योंकि वो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।